नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। चीन के पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन खजाना खोज निकाला है। दक्षिण पश्चिम चीन में ये खजाना मिला है जिसमें करीब 13,000 कलाकृतियां हैं। पुरातत्वविदों को कछुए की खोल जैसा दिखने वाला एक बक्सा भी मिला है। इसके साथ ही बलि देने वाली वेदी भी मिली है। माना जा रहा है कि ये खजाना 4500 से 3000 साल पुराना एक रहस्यमय साम्राज्य है। चीनी मीडिया के मुताबिक ये खजाना 6 बलि देने वाले गड्ढों से मिला है। खजाना सोने, कांस्य और जेड से बना है। इतिहासकारों का मानना है कि ये शु के प्राचीन साम्राज्य का हिस्सा है। सांकिश गदोई संस्कृति के बारे में अभी बहुत कम जानकारी है क्योंकि इनका कोई लिखित इतिहास मौजूद नहीं है। माना जा रहा है कि इस खोज से इनके बारे में पता लग सकता है। ये खजाना दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत से सांकिश गदोई रेंस यानी खंडहर में मिला है। सांकश गुजवाई खंडर की खोज मूल रूप से 1920 के दशक के अंत में हुई थी और इसे 20वीं सदी की दुनिया की सबसे महान पुरातत्वविद खोज में से एक बताया गया था। प्रांतीय राजधानी चेंगदू से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित गवांगन शहर में यह खंडहर 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है और इसे शु साम्राज्य का अवशेष माना जा रहा है जो करीब 3000 से 4500 साल पहले था। खंडहर के आसपास पुरातत्वविदों को राख की खाई, स्थापत्य नींव और बलि देने के लिए बनाए गए छोटे गड्ढे और सांस्कृतिक अवशेषों के साथ ही बांस, नरकट, सोयाबीन और मवेशी, साथ ही जंगली सुअरों के अवशेष भी मिले हैं जिनकी बलि दी गई होगी। वहीं सिचुआन प्रोविजनल कल्चर रजिस्टर एंड आर्कियोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट पेकिंग विश्वविद्यालय, सिचुआन यूनिवर्सिटी और अन्य अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने 2020 से लेकर अब तक बलि वाले 6 गड्ढों की खुदाई से ये खोज की है। शोधकर्ताओं के अनुसार कछुए के खोल की तरह दिखने वाले बक्से को दिलचस्प बताया गया है और कहा है कि ये कांस्य और जेड से बना हुआ है। वहीं शोधकर्ताओं को 3 फीट ऊंची कांस्य की वेदी भी मिली है। माना जाता है कि शु सभ्यता के लोग यहाँ बलि देते थे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।